खबर बैतूल जिले के चिचोली से है। चिचोली ब्लॉक में तेज बारिश, रिमझिम बारिश के चलते बरसात की मौसमी बीमारी पूरे ब्लॉक में छाई है। हॉस्पिटल में तो भीड़ तो लगी ही है, पर स्वास्थ्य विभाग में एनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने सूचना दी कि ग्राम गोधना में पूरा गांव बीमारी की चपेट में है। तो स्वास्थ्य अधिकारी ने डॉक्टर की टीम लेकर पहुंचे और एक सैकड़ा से अधिक मरीज का उपचार किया। स्वास्थ्य टीम की अधिकारी डॉक्टर के आर धामोड़े, सुपरवाइजर जयश्री बुधोलिया, एएनएम अंजनी दवनड़े, स्वास्थ्य कार्यकर्ता सिपलाई रुकमणी वाडिवा दूधिया, आशा कार्यकर्ता सरिता यादव के द्वारा 100 मरीज का इलाज किया गया। मरीजों को दवाई वितरण भी की गई। 40 लोगों का मलेरिया सलाट की जांच की गई, जिससे में एक भी मलेरिया का मरीज नहीं मिला। मौसमी बीमारी के चलते 150 लोग बीमार मिले। पूरे ब्लॉक में बीमारी से पीड़ित तादाद ज्यादा है। ग्राम पंचायत गोधना सरपंच कल्लू राम कवड़े, रोजगार सहायक सहदेव ढापले एवं समाज सेवी सेवक राम यादव सहित ग्राम के लोग उपचार में लगे हुए हैं। गांव के प्रत्येक व्यक्ति का इलाज कर रहे हैं। चिचोली बैतूल से सुरेंद्र बावने की रिपोर्ट। सर, ये जो गोधना में है, ये कोई मौसमी बीमारी फैली है जिससे क्या पूरा गाँव बीमार है, ऐसी जानकारी आई है? तो क्या है सर, वहाँ आपकी टीम भी गई थी, क्या जाँच में पाया सर? हाँ, टीम गई थी, टीम ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर वहाँ पर 146 कुल मरीज देखे गए। उसमें से 40 बुखार के मरीज थे, बाकी सामान्य मरीज थे, सर्दी खांसी हाथ पाँव दर्द ऐसे वाले थे। जो बुखार के मरीज थे उनकी आरडी के किट से जांच की, जिसमें मलेरिया निगेटिव पाया गया। मलेरिया नहीं है सर? मलेरिया बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या है सर, पूरा गाँव बीमार है? वायरल, पूरा गाँव बीमार नहीं है। 146 मरीज पाए गए, जबकि गांव की जनसंख्या 1200 है। जी, मतलब वायरल फीवर है ये? वायरल फीवर है सामान्य। और क्षेत्र में भी ऐसी चल रही है सर? सभी जगह ऐसा चल रहा है, सभी जगह पे ऐसा। हाँ, तो और कहीं की सूचना आई है सर? अभी तो नहीं आई है, सिर्फ गोधना की चाहिए। हाँ, वहीं से आई है। मैं सरपंच पति कालूराम कौड़े, ग्राम पंचायत गोधना। हमारी पंचायत में मौसमी बीमारी के चलते सैकड़ों लोग खांसी सर्दी बुखार से बीमार हो गए हैं, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को हम लोगों ने दी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तत्काल स्वास्थ्य टीम भेजाकर मरीजों का प्राथमिक उपचार किया। अब स्थिति सामान्य है।